लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और सभी पार्टियां अपना दमखम रण क्षेत्र में दिखा रही हैं। विविध रूपों में अपने आयोजन हो रहे हैं, कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं बैठकें हो रही हैं, कहीं आम सभा हो रही हैं। राजस्थान में विभिन्न रूपों में पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। यहाँ राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी है बाप जिसे कहते हैं और विभिन्न रूपों में ये अपने कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। विशेष करके आदिवासी इलाकों में बड़ी पेट है और यहाँ विधायक भी पहुँचे हैं विधानसभा में। अब लोकसभा की तैयारी है, किस तरह की तैयारी ये पार्टी कर रही है और क्या नए गठबंधन की रणनीति होगी? हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या आपके मुद्दे रहेंगे और जो गठबंधन की तैयारी है, किसके साथ में आपका गठबंधन होगा, क्या आपकी रणनीति होगी, किस तरह की बैठकें वगैरह होगी, आप बताएं क्या रणनीति है आपकी? सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार, धन्यवाद। हम लोग भारत आदिवासी पार्टी जो अभी नई हाल में ही विधानसभा से पहले यहाँ राज्य में स्थापित हुई है, उसके 3 विधायक हमने राजस्थान में जिताए हैं। अभी लोकसभा में हम पूरी तैयारी के साथ में डूंगरपुर बांसवाड़ा जो लोकसभा है, उदयपुर है, चित्तौड़ है और पूर्वी राजस्थान की 2 लोकसभा के लिए हमारी बातचीत चल रही है। हर जगह हम हमारी व्यवस्था जहां स्थापित हो रही है, रिक्वायरमेंट जहां हो रही है, वहां पे हम लोग जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। 2 चरण के लगभग बहुत सी जगह हमारी जो सिलेक्शन प्रणाली है उसके तहत काम हो चुका है और जल्द ही उम्मीदवार घोषित करके हम लोग जाएंगे। जहां तक अलायंस की बात है, अलायंस के लिए भी हमारी तरफ तब से बात आई थी, उस पर हमने हमारी जो मांगे हैं वो बता रखी है। अगर ये लोग हमारी मांगों को स्वीकार करते हैं तो हम इंडिया गठबंधन की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये लोग कहीं कहीं हारे हुए हैं, हताश हैं। हम लोग, हमारा जनाधार आज भी बढ़ रहा है और बढ़ते हुए जनाधार के साथ में वो लोग आना चाहते हैं तो स्वागत भी, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जहां तक हमारी जो शर्तें हैं उस पर अगर बात होती है तो। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ में अगर जाना हो तो क्या विचार होगा आपका? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम अलायंस में नहीं जाएंगे बिल्कुल। और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव के? मुद्दे जल, जमीन, जंगल हमारा जो मुख्य मुद्दा है, संविधान को बचाना। हमारे यहाँ आर्टिकल 244 जो लागू होता है शेड्यूल एरिया, वहाँ इसकी मूल भावना के अनुसार रिजर्वेशन है और बहुत सारी मांगे हैं। हमारा जल, यहाँ बहुत सारे बांध बने हैं वो 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्थानीय जनता को पीने के लिए न उपलब्ध हो पाते हैं, न खेती के लिए उपलब्ध हो पाते हैं, तो वो जल हमारे यहाँ के लोगों को मिले और संविधान की जो मूल भावना के अनुसार जो भी हक अधिकार है वो हमारे लोगों के लिए लागू हो। इसके बाद में बेरोजगारी यहाँ बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर भी हम लोग काम करेंगे। जहाँ अगर हमारे आज ये होता है कि लोकसभा और विधानसभा में हमारे लोग चुन के चले जाते हैं, लेकिन हमारे शिक्षा क्षेत्र की जब मांग आती है तो वो बोलने से बंद हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक सिलेक्शन प्रणाली को विकसित किया है जिसमें हमने जो चयन का जो चाबी है वो जनता के हाथ में दिया है। जनता ऐसे जो बोलने वाले और हक अधिकार की बात करने वाले लोगों को लोकसभा और विधानसभा में भेजेगी ताकि हमारे हक अधिकार सुरक्षित होंगे और संविधान सुरक्षित हो। जिस रूप में अब चुनाव है तो कितनी सीटों के लिए आपकी तैयारी हो रही है? वैसे तो हम देश भर में लड़ेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ हमारी आज पहुँच हो रही है, हम करीब 7 से 8 राज्यों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भी आगे, अभी देर है, आचार संहिता लगनी बाकी है, और भी राज्यों में हमारी बात चल रही है और राजस्थान में हम 3 सीटों पर यहाँ और पूर्वी राजस्थान की 2 सीटों पर मजबूती के साथ में लड़ेंगे। मोहन भाई, जिस रूप में कांग्रेस से भी टूट टूट के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, बांसवाड़ा से दिग्गज नेता मालविया जी वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, ऐसे में आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं जो वैसे ही कमजोर हो रहा है, जी बताइए। देखिए, बात ऐसी है कि हम लोग 2015 से जो जनजागरण का काम कर रहे हैं उसमें हर बार यही बोला है कि कमल कांग्रेस एक है और हमारे डूंगरपुर में ताजा उदाहरण है, ये दोनों जिला प्रमुख के समय एक हो गए। दूसरी बात, जो इनका जनाधार है बिल्कुल कांग्रेस का जनाधार इस एरिया में खत्म होने के कगार पर है, तो कहीं कहीं संविधान का आज मजाक उड़ाया जा रहा है, RSS की लोबी द्वारा जो हमारे लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कांग्रेस का गठबंधन है, ये कांग्रेस का वो नहीं है इंडिया गठबंधन। इसमें 30 से 35 ऐसी पार्टियां हैं जो संविधान को बचाना चाहती है, मानवता को बचाना चाहती है, उनके साथ में हम जा सकते हैं। कांति भाई है हमारे साथ में, कांति भाई किस तरह से आप रणनीति बना रहे हैं और क्या इस बार रहेगा आपका? आपके चैनल को जोहार, धन्यवाद। रणनीति ये है कि हम लोग फुल प्रेस चुनाव लड़ने के मूड में जी, और आज उदयपुर के अंदर जो कार्यशाला रखी है, छोटा सा सम्मेलन, वो
वो एक प्रकार से संकेत है कि अब हमने बिगुल बजा दिया है और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही का इलाका जो हमारा दक्षिण राजस्थान है वहाँ पे हम लोग फुल प्रेस से चुनाव लड़ने वाले हैं। इसको देखिए पूरे राजस्थान के लोग भी आने वाले हैं और हमारे 46 सीट रिजर्व हैं देश के अंदर, तो जहाँ जहाँ हमारे लोग सक्रिय है वहाँ वहाँ हम लोग अपना आवेदन, अपना अभ्यर्थी उठाएंगे। लेकिन कांति भाई, जिस रूप में विधानसभा के चुनाव हुए उसमें सबसे ज्यादा नुकसान भाप पार्टी ने कांग्रेस को ज्यादा पहुंचाया है, कांग्रेस किस तरह से आपके साथ में समझौता करेगी? नहीं, कांग्रेस को पहुंचाया ऐसा नहीं है, ये तो बात ठीक नहीं है। जैसे कांग्रेस के भी सीटें बराबर आई है और बीजेपी की बराबर आई है दक्षिण राजस्थान के अंदर, तो कांग्रेस को पहुंचाया ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। हम अपने आप में स्वतः ही खड़े हो रहे, हम नेचुरली चीज को मानते हैं, तो हम किसी को काटेंगे नहीं, किसी को बर्बाद नहीं करेंगे, हम अपने आप में खड़े हो रहे हैं। तो कांग्रेस के साथ में हम गठबंधन नहीं कर रहे, हम इंडिया अलायंस के साथ में गठबंधन करने की बात कर रहे हैं और हमने किसी का ठेका भी नहीं दे रखा। और आने वाले समय में जो संविधान की बात करेगा और मानवता की बात करेगा, धर्मनिरपेक्षता की बात करेगा और जो हमारे इलाके के जो प्रिविलेज दे रखे हैं, विशेष अधिकार दे रखे हैं आदिवासियों को, उनको दिलाने की बात करेगा, माइनॉरिटी एससी ओबीसी एससी इनको बचाने की बात करेगा, उसको हम लोग समर्थन दे सकते हैं। कांति भाई, आदिवासी इलाकों में अब भी हालात ये हैं कि रोजगार की बहुत दरकार है युवाओं को और उद्योग जो लगने चाहिए वो अभी तक उतने उस अनुरूप लग नहीं पाए हैं, क्या आप आगे प्राथमिकता देंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस बीजेपी एक सांप दांत है, एक नाग दांत है। जो अनुसूचित क्षेत्र यानी आदिवासी इलाके का जितना भी रुपया आया, जितना भी पैसा आया, उस पैसे से इस इलाके में इतने बड़े बड़े उद्योग लग सकते थे, वो उद्योग नहीं लगे, जिससे आदिवासियों को नुकसान नहीं, आम जनता को नुकसान हुआ है। चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे आपका ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे बनिए हो, सबको नुकसान हुआ है आदिवासी के साथ साथ में। इसलिए मैं तो कहना चाह रहा हूँ तीसरे मोर्चे के रूप में इस इलाके में जो भारत आदिवासी पार्टी उभर के आया है, सभी वर्गों को साथ में आ जाना चाहिए ताकि हमारे इलाके में अच्छे उद्योग लगे, अच्छे हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े और उद्योगों में सभी वर्गों को काम मिल सकता है। इसलिए कांग्रेस बीजेपी ने उद्योगों के लिए कभी काम नहीं किया। इस इलाके के लोग बाहर पलायन करते हैं, पलायन को रोकना है, पर्यावरण को बचाना है, इसलिए इस इलाके में आप भारत आदिवासी पार्टी जुड़े। हमारे साथ में विधायक है आसपुर, इनसे जानेंगे किस रूप में पार्टियां तैयारी कर रही हैं और क्या खास आधार स्तर पर हो रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो शासन रहा है उसमें जो आदिवासी इलाकों में विकास की क्या रणनीति रही थी और कांग्रेस के समय क्या रणनीति रही थी, लेकिन आधार स्तर पर उस रूप में विकास हुआ या नहीं हुआ, लोकसभा में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं बाप पार्टी की, जी बताएं। सबसे पहले तो आपका न्यूज चैनल को खूब धन्यवाद धन्यवाद जोहार। आज हमारे उदयपुर लोकसभा सीट को लेकर आज मंथन बैठक रखी गई है, सदस्यता अभियान चलाया गया है। अब आप लोग अभी पूछ रहे थे कि कांग्रेस बीजेपी ने क्या करा, आप 70-75 साल से देख रहे हो आप, कांग्रेस बीजेपी ने आज तक हमारे आदिवासियों को भला करने का काम नहीं करा, इसलिए हम तीसरा मोर्चा भारत आदिवासी पार्टी लेकर आए। लेकिन जिस तरह से पहले बीटीपी थी, अब बाप आई है और एक आदिवासी जो वोटर है वो आप नहीं मानते कि इसमें कुछ बट रहा है? हम नहीं मान रहे, वो कांग्रेस बीजेपी वाले जरूर मान सकते हैं, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि हमारा अभी फिलहाल जो हवा चल रही है वो एक तरफा हमारी आदिवासियों की भारत आदिवासी पार्टी का चल रहा है। क्या? इसका उदाहरण आप देख सकते हो, हमारे लगभग 3.5 से 4 लाख वोट हमें अभी लोकसभा उदयपुर सीट पर मिला है। आने वाले समय में क्या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से या कोई ऐसा संयुक्त गठबंधन नहीं करेंगे? अभी ऐसा कोई नहीं है, वो हमारे हाईकमान पार्टी जो भी डिसाइड कराएगा वो मानेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। और हमारे साथ में हवरचंद जी मीणा है, विधायक दरियाबंद, आप बताएं किस तरह की तैयारियां हो रही हैं लोकसभा चुनाव को लेकर और कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? जी, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और डूंगरपुर के अंदर लगभग कैंडिडेट फाइनल करने की बात चल रही है और जल्दी कर लेंगे हम लोग कुछ दिनों के अंदर। और क्या स्थिति है आधार स्तर पर, क्या आप मानते हैं कि कितना? हम मजबूती से लड़ेंगे और दोनों लोकसभा सीटें जीतेंगे। और गठबंधन की अगर बात आए तो क्या तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हमारे सारी टीम के बारे में बैठ कर सकता हूँ। लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सफलता मिलती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन पार्टियां अभी से जुट गई हैं तैयारियों में और पूरा दमखम रण क्षेत्र में लगा रही हैं। चुनावी रण है, किस और ऊंट करवट बैठेगा और किसका पड़ला भारी होगा, किस पार्टी का पड़ला हल्का होगा, यह समय की बात है, लेकिन पार्टियां जुट गई हैं तैयारियों में। कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है और अपनी रणनीति बना रही हैं कि किस तरह से वह चुनावी रण में मुकाबला करे, लेकिन जिस
तरह से विधानसभा के चुनाव परिणाम आए हैं उससे कई पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। तन मन लगा करके सहयोग दे, कैसा भी प्रत्याशी हो, क्योंकि अपनी 8 विधानसभा है, अपने 8 नाम फाइनल हो गए हैं। 8 नाम में से एक आपके सामने आएगा, कैसा भी नाम हो उसके साथ में कुछ को मिलकर काम करना होगा। और धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय साहब। लोकसभा की तैयारियां शुरू हो गई हैं और प्रत्याशी अपने अपने रूप में दमखम भी दिखा रहे हैं पार्टियों के सामने। ऐसे ही उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से अरविंद जी हैं हमारे साथ में, बाप पार्टी से प्रत्याशी के रूप में ये अपना दावा जता रहे हैं। बताएं किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारी अभी तक समाज स्तर पर काफी अच्छी तैयारी है। पार्टी विचारधारा में आज तक किसी पार्टी से जुड़ा नहीं था, न किसी छात्र संगठन से जुड़ा हुआ था। मैंने खुद का एक विशेष ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन करके 2010 से 2024 तक आज दिन तक समाज के जो भी दिक्कतें थी उसको मैंने उस बैनर तले उसको हल किया। और आज जब मुझे इस पार्टी की विचारधारा समझ आई है तो मैंने इस पार्टी की कई महीनों पहले सदस्यता ग्रहण की और अपने आप को यहाँ दावेदार पेश किया है। मैं छात्र संघ चुनाव में 2012 साइंस कॉलेज विज्ञान महाविद्यालय MLSU में महासचिव पद पर रह चुका हूँ। मेरे उपरांत काफ़ी ट्राइबल स्टूडेंट्स रह चुके हैं और अभी भी काफ़ी छात्र यहाँ पे अध्यक्ष हैं और जो हमारे नेतृत्व में काम कर रहे हैं। चुनौती तो बहुत बड़ी है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, इस तरह से मुकाबला करेंगे? बिल्कुल, मेरे साथ अभी कुछ है जो NSUI के AVP के पदाधिकारी हैं, वो NSUI और AVP के पद छोड़ के बाप पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। जिंदाबाद अरविंद गोटे, जिंदाबाद।